हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरंजकदाले गावड़े। मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आज हम जो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में और मोर प्रिसाइजली इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। ये आज की हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं, और उनके लिए हम थोड़ा ब्रीफली एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि उनको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। सो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे हम क्या है। सो एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू कट ओपन, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं रीजनली या सिस्टमेटिकली। और फिजियोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज द फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो द फादर ऑफ एनाटॉमी आपको पता होगा, हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स कौन थे, ही वॉज एन ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एनाटॉमी की स्टडी किया और जिनकी काफ़ी सारी जो बातें उन्होंने कही थी वो आज भी एप्लीकेबल है। और आप तो जानते ही होंगे कि डॉक्टर्स जो हैं हिप्पोक्रेट ओथ लेते हैं जो एट देयर ग्रेजुएशन। हिप्पोक्रेट का बिलीफ क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री हम जाने तो, सिकनेस वॉज नॉट अ डिवाइन पनिशमेंट। पहले यह माना जाता था कोई बीमार हो गया है तो कोई देवी आपदा आ गई है, लेकिन सिकनेस कभी भी इस वजह से नहीं होता है। और मेडिसिन हमेशा एथिकल होना चाहिए और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, ये हिप्पोक्रेट के बिलीफ थे। नाउ अगर आप मॉडर्न एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो हम फर्दर बहुत सारे न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही जानने के लिए, है ना। बॉडी का या फिर किसी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें जानना है तो हम न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कैट स्कैन है, एक्सरेज है, जेनेटिक टेस्ट है, एमआरआई है, इनका उपयोग हम करते हैं। फ्यूचर ऑफ एनाटॉमी क्या है, तो जितनी भी हेल्थ रिलेटेड स्टडीज़ हैं आजकल वो ज़्यादातर मॉलिकुलर बेसिस पर होने लगी हैं। मॉलिकुलर बेसिस पर मतलब जीन लेवल पर। हम जितना भी डिस्कवरीज हैं आजकल हेल्थ के लिए, हेल्थ रिलेटेड या डिसीज़ रिलेटेड कंडीशंस के बारे में जानने के लिए, तो ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक या मॉलिकुलर इंडिकेटर्स ऑफ डिसीज़ को हम खोजने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारे एसेज डेवलप किए हैं जो कि इन विट्रो या इन वीवो कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ जब हम अगर एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो जो मॉडर्न ह्यूमन है या जिसे हम होमोसेपियंस भी कहते हैं या मैमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जितना भी कार्य है, जितना भी फंक्शन है, इसको डिवाइड किया गया है, है ना। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। तो हम एनाटॉमी फर्दर डिटेल में बात करें इससे पहले हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सो द मोस्ट बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्या है, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही हम एनाटॉमी की शुरुआत करते हैं, है ना। तो टॉर्टोरा को भी आप रेफर करेंगे या किसी भी अच्छी एनाटॉमी की बुक को रेफर करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत होती है, है ना। तो ये हम कह सकते हैं ABC ऑफ एनाटॉमी। तो एटम जो होता है वो हमारे सबसे बेसिक लेवल पे होता है, है ना। लाइफ की शुरुआत हम एक तरह से कहें तो एटम से होती है, है ना। तो एटम क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में है, ठीक है। फिर एटम से बनता है मॉलिक्यूल, ठीक, जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल, या इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको कंपेयर कर लें कि एटम क्या है, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, देर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स हमारे कंपेयर कर सकते हैं हम इनको क्या है, एटम्स।
तो ये एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, अगर हम इसको स्पेसिफिकली अरेंज करें तो ये एक वर्ड बनाएंगे, है ना। ऐसे ही एटम्स आपस में जुड़ के एक मीनिंगफुल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मिल गए, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना लेंगे, H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपस में सेल बनाएंगे, दे टुगेदर फॉर्म अ सेल। जैसे बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे ही ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, है ना। और जैसे कि अब क्या बन गया हमारा सेंटेंस, सारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो ऑल सिमिलर सेल्स विद देयर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दे विल फॉर्म अ टिश्यू, और टिश्यू टुगेदर विल फॉर्म अ ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम, द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम टुगेदर विल फॉर्म अ फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एनाटॉमी के सब डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इसके सब डिविजन्स में ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में फर्दर रीजनल, जिसमें ऑल स्ट्रक्चर्स इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि एब्डोमेन और लैग। सिस्टेमिक की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी स्टडीड बाय सिस्टम। सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एज दे रिलेट टू द ओवरलाइंग स्किन। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में साइटोलॉजी है और हिस्टोलॉजी है। साइटोलॉजी में आप जानते हैं इट इज स्टडी ऑफ द सेल, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आपका एम्ब्रियोलॉजी आता है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है। अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की अगर बात करें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अपने आप में बेसिक एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजीज बहुत बड़ी हैं, है ना। तो इसको आप डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, पिक्चर की सहायता से। अब एनाटॉमिकल डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर आप कैजुअल टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, मीडियल एंड लेटरल एनाटॉमिकल डायरेक्शंस होते हैं। एनाटॉमिकल पोजिशंस की आप बात करें तो ये एक स्टैंडर्डाइज मैथड है ऑब्जर्विंग और इमेजिंग द बॉडी, है ना। जैसे कि क्या होता है, एक प्रिसाइज और कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंस हम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टैंडिंग अपराइट ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है, हेड लेवल स्ट्रेट, आईज जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग है, फीट जो है वो फ्लैट है फ्लोर के ऊपर, आर्म्स दोनों साइड्स पर हैं और पाम्स जो होते हैं वो दे आर टर्न फॉरवर्ड। पोजिशंस एंड डायरेक्शंस की बात करें तो पोजिशन और डायरेक्शन की टर्म्स में हम रेफरेंस में बात करते हैं ना, वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर, दूसरे के रेफरेंस में किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे तीन मेजर प्लेन्स होते हैं। तो पोजिशन एंड डायरेक्शंस में आपका जो है सुपीरियर, सो इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बींग क्लोजर टू द हेड, है ना, जो हेड के क्लोजर है और दूसरे बॉडी पार्ट के रेफरेंस में ऊपर है, हायर है। इंफीरियर की बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चर बींग क्लोजर टू द फीट, फीट के क्लोज है और जिस स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसके लोअर है। हमेशा यहाँ पर रिलेटिव पोजिशंस की बात कर रहे हैं। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रंट की तरफ है, फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर में कंपैरेटिव टू द पार्ट ऑफ बॉडी इट इज द स्ट्रक्चर इज बीइंग मोर बैक, है ना, पीछे की तरफ है। मीडियल की अगर बात कर रहे हैं तो जो मिड लाइन है या मीडियन प्लेन से ज्यादा क्लोजर है कंपैरेटिव टू द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। लेटरल की बात कर रहे हैं तो मिड लाइन से
दूर है, दूर की तरफ, फादर। डिस्टल इट्स रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिटीज ओनली, है ना, ये रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द अनदर स्ट्रक्चर, है ना। तो लिम्ब से क्या है, रूट ऑफ द लिम्ब से दूर है, डिस्टल। और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल इज नियर टू द रूट ऑफ और क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब। तो हमेशा हम रिलेटिव पोजिशंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर हम स्केलेटन को डिवाइड कर लें एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में, तो हम इसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज एंड देयर रूट। रूट से मतलब है अवे फ्रॉम द लिम्ब या ज़्यादा दूर, और प्रॉक्सिमल इज नियर। सुपरफिशियल, अगेन पोजिशन और डायरेक्शंस की ही बात कर रहे हैं हम। सुपरफिशियल का क्या मतलब है, इट इज़ बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, सरफेस से ज़्यादा क्लोज। डीप का क्या मतलब होगा, कोर, बॉडी की कोर से के ज़्यादा करीब होना, दैट इज डीप। वेंट्रल टूवर्ड्स द फ्रंट और द बेली, और डॉर्सल टूवर्ड्स द बैक, यानी बैक की तरफ। अब पोजिशंस की बात करें तो प्रॉन पोजिशन, जब फेस नीचे की तरफ है, लाइंग फेस डाउन। सुपाइन पोजिशन में फेस अप होता है। यूनिलैटरल पर्टेनिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड की बात कर रहे हैं। बायलैटरल दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं बेसिक बॉडी प्लेन्स और सेक्शंस। सो इन टर्म्स का यूज किया जाता है जब हम बॉडी ऑर्गन टिश्यूज या सेल्स को कट कर रहे हैं प्लेन्स में, है ना। तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड मिड सजाइटल प्लेन। तो ये एनाटॉमिकल प्लेन्स कहलाते हैं। तो प्लेन्स क्या है, फिक्स लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये एक तरह से लाइन ऑफ रेफरेंसेस हैं, जिसमें क्या करता है, क्या करते हैं, बॉडी को डिवाइड करते हैं या सेक्शंस बनाते हैं हम, ताकि हम स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख सकें, है ना। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, बॉडी को डिफरेंट व्यूज में हम देखते हैं। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, सजाइटल प्लेन में बॉडी जो है लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन। मिड सजाइटल और मीडियन जो होते हैं प्लेन के नाम होते हैं, इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में जब हम इसको बॉडी को डिवाइड करते हैं। फ्रंटल प्लेन में हम क्या करते हैं, बॉडी को फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड करते हैं, इसे कॉरोनल प्लेन भी कहा जाता है। डायग्राम की मदद से आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन में हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ये, जो बॉडी को अपर और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहा जाता है। तो सारे प्लेन्स आप इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्स प्लेन फिर से याद रखेंगे, क्योंकि हम इसी तरह से हमेशा इसको मेंशन करते हैं पोजीशंस को, प्लेन्स को। ट्रांसवर्स प्लेन सुपीरियर और इंफीरियर सेक्शंस में डिवाइड करता है बॉडी को। फ्रंटल प्लेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। सेजाइटल प्लेन जो होता है लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। इक्वल हाफ्स को हम मिड सेजाइटल सेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इनके व्यूज से आपको क्लियरली ये मेंशन हो जाएगा। अब अगर मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट्स भी कई तरह के मूवमेंट्स हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन मूवमेंट है, एडक्शन, एबडक्शन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, लेटरल फ्लेक्शन जिसको हम साइड बेंडिंग भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फुट स्पेसिफिकली बात करें तो इन्वर्जन, इवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन। रिस्ट और थंब की बात करें तो रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, अपोजिशन,
अब हम बात करते हैं सिस्टम की, यानी कि सिस्टमेटिक एनाटॉमी। इसमें हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है सबसे पहला। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? स्किन, जिसे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू बिलो द स्किन, एसेसरी स्ट्रक्चर्स में आपका स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स। फिर आपको एनाटॉमी ऑफ स्किन समझना है। स्किन फैक्ट्स में, जैसे हमारा स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ये टोटल बॉडी वेट का 15% होता है, और वेट में देखें तो 6 pounds जो है टोटल वेट होता है इसका। जो एरिया है वो लगभग 3000 square inches है, और ये ऐसा ऑर्गन है जो सबसे जल्दी रीजनरेट होता है, फास्टेस्ट टू रीजनरेट। इट कवर्स अबाउट 1.5 to 2 square meters। जो स्किन होती है हमारी लगभग 1 to 2 mm थिक होती है और 0.5 से 6 मीटर की रेंज में होती है, और टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1/3 स्किन रिसीव करती है। मेजर फंक्शन क्या है स्किन का? टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू, एक्सक्रीट वाटर एंड सॉल्ट्स, रिसीव स्टिमुलाई जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर चेंज, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल होता है। ये एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, पूरा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, आपका मतलब जाले साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ याद दिलाने की, रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा जो आपने फर्स्ट ईयर में जा कर के डीपली हर ऑर्गन, उसका स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है। एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ स्किन के अंदर आपका हेयर, स्किन ग्लैंड्स, नेल्स आता है, जिनका अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है आपका बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क है, जिसमें लगभग 200 बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, जिसको हम कलेक्टिवली स्केलेटन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? मेन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स को और उनके द्वारा होने वाले मूवमेंट को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। आपके ब्लड सेल्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स जो होती हैं वो आपके बोन्स में बनती है, ये बोन्स जो होती है मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। फिर आपका मस्कुलर सिस्टम है, बॉडी का जितना भी मूवमेंट है वो बिकॉज ऑफ मसल्स होता है। मसल्स किससे अटैच होती हैं? बोन्स से अटैच होती हैं। मसल्स जो होती हैं वो ऑर्गन्स की वॉल्स, जैसे कि इंटेस्टाइन है, हार्ट एंड से भी अटैच होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना, लोकोमोशन के लिए भी, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इवन मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। मसल्स आपकी पोस्चर को मेंटेन करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसका मेन रोल क्या है? बॉडी की सभी पार्ट्स में और टिश्यूज में ब्लड को पंप करना, फूड ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, अदर सब्सटेंसेस को, है ना, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। मेन रोल हार्ट पंपिंग का, ब्लड पंपिंग का किसका है? हार्ट का है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारे वो ऑर्गन्स जो फूड को एनगल्फ करने से लेकर इसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने तक जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, राइट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स इंक्लूड हैं। सो व्हाट इज देयर रोल? टू टेक अप द ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या करना है? कन्वे टू द टिश्यू, और वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या निकालना है? बॉडी से बाहर निकालना है। क्या करता है ये? ब्लड को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। कहाँ से होता है? एयर सैक्स में, एयर सैक्स जो लंग्स में प्रेजेंट है वहां से होता है, है ना। फिर आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, ये सब मिलकर नर्वस सिस्टम का मेकअप करते हैं या इसको बनाते हैं, है ना। फास्ट एक्टिंग कंट्रोल सिस्टम है ये, एक तरह से आपका जितना भी रिस्पॉन्स हो रहा है टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, है ना,
वो सब जो भी एक्सचेंज हो रहा है, वो नर्व्स हो, मसल्स हो, ग्लैंड्स हो, सेल्स हो, सब किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. फिर आपका यूरिनरी सिस्टम है. यूरिनरी सिस्टम एक तरह से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स, यूरेथ्रा इन्वॉल्व होते हैं. द मेन पर्पस इज टू फिल्टर द ब्लड. ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करना और यूरिन के थ्रू उसको पास ऑन कर देना, ताकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे. दीज आर द मेन सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी. ये हमारे सब मेन सिस्टम्स हैं, जिनका फंक्शनिंग जो है हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं. फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन. अब अगर हम बॉडी कैविटीज की बात करें, तो बॉडी कैविटीज में हमारा मेनली डॉर्सल कैविटीज जो होती है, इसका काम है नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जिसमें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्रेनियल कैविटी जो स्कल में है ना, इट एनकेसेस द ब्रेन, एंड वेंट्रल कैविटी जो इंटरनल ऑर्गन्स है विसरा, इसको प्रोटेक्ट करती है. थोरैसिक कैविटी को फर्दर प्लूरल कैविटी, मीडियास्टिनम एंड पेरिकार्डियल कैविटी में डिवाइड किया गया है. प्लूरल कैविटीज जो लंग्स को कवर करती है, मीडियास्टिनम पेरिकार्डियल कैविटी को सराउंड करती है, और थोरैसिक ऑर्गन्स को कवर करती है. पेरिकार्डियल एनक्लोजेस द हार्ट. एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज में, एब्डोमिनल कैविटी में आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स, एंड पेल्विक लाइज विद इन द पेल्विस, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम. सो दीज आर द कैविटीज. सो वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटॉमी, एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने बात करी है. नेक्स्ट सेशन में हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए. मिलते हैं अगले सेशन में.